बाबा एक फोटो कर देना बाबा। सॉरी जैसे रेस हो गई या ठग्स ऑफ हिंदुस्तान या फिर अभी जीरो, वो उन्होंने इतना कुछ खास नहीं किया बॉक्स ऑफिस पर, बट एट द सेम टाइम जब आपकी पद्मावत आई थी एन प्लस सिम्बा आई थी उसने बहुत ज़्यादा ग्रेट किया है, तो क्या अभी आपको ऐसे लग रहा है कि आपका टाइम आ गया है? अगर तू बोल रही है तो मैं मान लेता हूँ, बड़ा मानना है मुझे ये बात माननी है मुझे। अच्छा मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि जिन फिल्मों में मैंने काम किया है पूरी शिद्दत से किया है कि उन्होंने अच्छा अच्छी निकल गई, बहुत अच्छा कमाल का साल रहा मेरे लिए। जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब किसी दूसरे की फिल्म काम नहीं करे, मैं भी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, इसी इंडस्ट्री से हम सबका पेट पलता है, तो सब हार्डवर्क करते हैं और ये मैं जानता हूँ। तो जब किसी की फिल्म चलती नहीं है मुझे अच्छा बुरा लगता है, और अच्छी चल जाती है खास करके खुद की तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपसे ये सवाल था कि इंडियन रैपर की बात करें तो इंडिया में अभी इतने पॉपुलर नहीं हुए हैं या इतनी कामयाबी नहीं मिली है जितनी कि फॉरेन कंट्रीज में हम देखते हैं वहाँ के रैपर को, तो कहीं ना कहीं गली बॉय जब आएगी तो एक लोगों के दिल में या उनके दिल में जो भी है कि इस रैप को भी, इंडियन रैपर को भी आगे मौका मिलना चाहिए और उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फिल्म हेल्प करेगी उनके लिए भी? डेफिनेटली, आई थिंक ये ग्रोइंग कल्चर है एंड ये फिल्म के साथ एक उनको एक स्प्रिंग बोर्ड मिल जाएगा टू स्प्रेड इट अराउंड द वर्ल्ड। बट आई थिंक द मिनट जोया ने जब ये लिखा ही था रीमा के साथ, दे डिसाइडेड टू मेक इट इन अ फिल्म, आई थिंक द मिनट यू हैव दिस मेड इन टू अ फीचर फिल्म इट विल ऑब्वियसली प्रमोट इट एंड एक्सटेंड इट, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट द फिल्म इज अबाउट। जब आप देखोगे यू नो अबाउट हाउ अ गाय हूज फ्रॉम द स्लम्स ड्रीम्स अबाउट बिकमिंग एन हिप हॉप आर्टिस्ट। एंड ऑल्सो सॉरी आई हैव टू ऐड समथिंग, द थिंग इज दैट you talking about any country where it's big because it's promoted, it's big because it's backed. I was shocked at how big it is in India on the net and on YouTube, and I mean there are artists that have 22 million views and they are not even signed a label, so it is big and people are listening to it, it's just not being given a platform by the companies to be so thanks to Z, this is happening. But they should be given a platform and they should be promoted because people are listening to it and want to listen to it. Alia, mera aapse sawal hai ki Ranveer Kapoor aur Ranveer Singh dono ke saath kaam kar rahi hain, hum dono hi unhe aane wale time ke superstar mante hain, pichle saal dono ki hi filmein bahut kamyab rahi hain, kya similarities dekhti hain ya fir kya differences dekhti hain aur working experience kaisa raha hai? Similarities kafi hai ki dono सुपर्ब ह्यूमन बींग्स हैं, दोनों आउटस्टैंडिंग एक्टर्स हैं और दोनों मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अलग बस यही होगा कि एक के साथ मैं गली बॉय कर रही हूँ, एक के साथ मैं ब्रह्मास्त्र कर रही हूँ। एक थोड़ा ज्यादा स्पेशल है, एक थोड़ा कम। ओके एंड वी आर टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस जेंटलमैन हियर। आई हैव कपल ऑफ गुड क्वेश्चंस आउट फॉर कपल, टू मोर, एक चूज कर ले यार। First it goes to Ritesh sir. Okay. Sir, last time we met, you told me that 2019 to bahut kamal hone wala hai. We are eagerly waiting for Inside Edge 2, sir. Tell us something about your lined up project for 2019 first. Okay. So, sare sawal aaj. So Inside Edge will release this year. We've just finished filming the second season and it's right now in its post. So this end of this year is when we are targeting to release it. A
और आपका दूसरा सवाल वी कम टू द बर्थडे बॉय सर सर फरहान सर सर टेल अस समथिंग अबाउट व्हाट आर यू गोना डू 2019 सर हाउ इज योर प्रोजेक्ट बीन लाइंड अप फॉर दिस ईयर सॉरी आई कुडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन सो व्हाट आर योर लाइंड अप फॉर 2019 बिफोर इनसाइड इज जोयास डन अ शो कॉल्ड मेड इन हेवन व्हिच इज गोइंग टू रिलीज इन मार्च क्या बात है क्या बात है कम ऑन Zoya, have you given opportunities for real life street rappers also in the movie? Sorry? Real life street rappers? Yeah. They're on the whole album. And they These guys are also there, right? They're in the film, yeah. Can you just raise your hand? Roshan! Yeah. Roshan and D. Cypher. Farhan, sir, we started with you and with you. Bro, those are sukhe mic lo haath mein.